वक्त है जानने का कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है इस मैच का। खिलाड़ी X.com प्रेजेंट्स सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन होगा इस मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी, बता देते हैं रोहित शर्मा। भाई हिटमैन रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में है, हमें लगता है कि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, क्योंकि जो उनके रन है 10,243 रन 253 मैच में उन्होंने ये बनाए हैं, सबसे ज्यादा दोहरे शतक भी रोहित शर्मा के नाम पर हैं। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी हो सकते हैं, और क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रन बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ तो अच्छे टच में भी दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि इस सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा सबसे बड़ा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन उन्होंने कप्तान के तौर पर जब आज बात करी तो इन्होंने एक बात और भी कही कि वो ये कि टीम इंडिया 3 स्पिनर भी खिला सकती है। तो आकाश भाई ये क्या एक इंडिकेशन है, शोएब भाई से भी बात करना चाहेंगे, ये क्या एक इंडिकेशन है 3 स्पिनर का, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है कि 3 स्पिनर खिला सकते हैं, अपने लोगों के सामने मैच होने का काफी फायदा है, हमारे ऊपर यहां कभी दबाव नहीं होता, तो शॉट्स फायर्ड इंडिया की तरफ से बोले हैं कि टॉस नहीं टीम मायने रखती है। मेरे ख्याल से ये इसलिए भी है क्योंकि टीम इंडिया की जो टीम है जो प्लेइंग 11 है वो ज्यादा सेटल्ड लग रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से, और रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि टॉस बहुत ज्यादा मैटर यहां पर करता नहीं। आकाश भाई 3 स्पिनर्स का ये जो गुगली सी फेंकी है, नहीं गुगली नहीं है एक्चुअली, अगर सी दो तीन चीजें हैं इसमें, एक तो ये एक टेस्ट मैच मुझे याद आता है इंग्लैंड के सामने यहाँ हुआ था इसी मैदान पे, आई थिंक 1.5 या 2 दिन चला होगा, वो पिंक बॉल का टेस्ट मैच था और अक्षर पटेल बॉल हाथ घुमा रहे थे बंदा आउट था ऐसा हुआ है इसी मैदान पे हुआ है। तो अगर तो ये पिच, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर ब्लैक सॉइल की पिच देखी है जिसमें ट्रेडिशनली बॉल ज्यादा घूमती है, तो अगर वो है, अगर वो पिच है तो देन इट्स नॉट अ बैड स्ट्रेटेजी, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करके देखते हो, कहते हो यार चलो अगर हम स्पिन करेंगे सामने वाला भी करेगा, अब सामने वाले की स्पिन कैसी है, अब सामने वाले की स्पिन में आप देखते हो शदाब खान जिसकी एक जगह पे बॉल अभी नहीं पड़ रही है, मतलब गुड फॉर अस अनफॉर्चुनेट फॉर देम, मोहम्मद नवाज जो है बड़ी पकड़ पकड़ के बॉलिंग करते हैं ये उतना आपको थ्रेट नहीं प्रेजेंट करते हैं, अब उसामा मीर को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, किसकी जगह खिलाएंगे, क्या स्पिनर की जगह ही खिला देंगे, हु नोज। तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर बड़ा थ्रेट अगर सामने से आपको दिखता है कि फास्ट बॉलिंग है और ऐसे में अगर आपकी पिच कह रही है चीख चीख के कि यार देखो मैं तो स्पिन करने वाली हूँ तो आपके पास स्पिनर है तो आप खिला लो, तो फिर इट्स नॉट अ बैड थिंग यार खिला लो ऑफ स्पिन। फिर शुरुआत में अगर यहाँ फखर अगर बैटिंग करने आ जाते हैं, इमाम उलक ही आ जाते हैं, ये एक लेफ्टी ऊपर आने वाला है, लेफ्टी आने वाला तो रविचंद्रन अश्विन तो नई गेंद से ही बॉलिंग कर देते हैं, वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आ जाएंगे। 8 नंबर पे बैटिंग का थोड़ा ऑब्सेशन तो है हमारे साथ, जिससे ना मैं अग्री करता हूँ ना शोएब अग्री करता है, पर हमारी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय टीम को नंबर 8 पे बैटर चाहिए। तो अगर ऐसा है तो शार्दुल की जगह आप अगर अश्विन को खेलते देखे पिछले मैच से अगर हम कंपेयर करें बोलिंग अटैक को, सो नॉट अ बैड थिंग, पहले मैच में भी अश्विन खेले थे बिल्कुल, थोड़े डिफेंसिव हैं बोलर ठीक है, अब हैं तो हैं यार, लेकिन 10 में 40 45 50 वाले बॉलर हैं, वो इतनी आसानी से मार नहीं खाते, बड़ा ये मैदान है उतना आइडिया इनको है, और अगर बॉल घूमने वाली है तो ठीक है यार फिर तो व्हाई नॉट। शोएब भाई अगर बॉल घूमने वाली है तो पाकिस्तान ने क्या आज से ही सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में जो स्पिनर्स हैं उनके तो मसले लग ही रहे हैं, आपके पास मतलब क्वालिटी स्पिन नहीं दिखाई दे रही पाकिस्तान में। यार तुम तो गब्बर सिंह बन जाते ना जो ही खबर आती है कि हम सरेंडर कर दे ये कर ले, खुद तो सरेंडर बना हुआ है इस वक्त। मुझे एक बात बताओ, देखो अभी जब हम बात कर रहे थे मैंने कहा ना आपको ये ट्रिकी लग रहा है, मुझे ये ट्रैक मुझे ये लग रहा है अश्विन खेलता हुआ, मुझे लग रहा बॉल फंसते हुए, क्या ये हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स वाला मैच होगा? मुझे यार मेरी रिजर्वेशन है इसके खिलाफ, मेरे मुताबिक रिजर्वेशन है, मेरी रिजर्वेशन ये है कि यार देखो यहाँ पे बॉल नहीं आएगा बल्ले पे, ये एक फ्रेश ट्रैक है, अहमदाबाद है, आप देखो अब रोहित ने तो विकेट देखा होगा, वो बगैर देखे तो बगैर मैनेजमेंट के तो वो बात नहीं करेगा ना, अगर वो कह रहा है 3 स्पिनर का मतलब है तो फिर ये लो स्कोरिंग मैच है, फॉर गॉड फॉरबिड अगर ये 250-300 भी होता है तो लुक इट्स इजियर फॉर पाकिस्तान टू चेज इट डाउन, क्योंकि शाम को स्पिन ज्यादा नहीं होने वाला जी। कितना कर लोगे यार स्पिन शाम को? मैं कुलदीप को बहुत पसंद करता हूं, मुझे पूरा क्रिकेटर लगता है, वो तगड़ा भी है, बहुत तेज है, वो हर मौके में आपको विकेट लेके देने की ताकत रखता है, इसलिए समझदार बहुत है, उसका है तो स्पिनर एटीट्यूड फास्ट बॉलर वाला है कि विकेट लेना है मुझको, तो आई थिंक कि वहां पे हमें थोड़ी स्ट्रेटजी को बेहतर करना होगा। रिजवान बेशक बीच में आता है, पुराना बॉल ही खेलता है, तो कुलदीप से बच के रहना होगा आपको। अगर
पाकिस्तान थोड़ा सा मुझे लगता है चेंजेस करेगा पाकिस्तान जी। दो एक या दो से ज्यादा चेंजेस करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की पता चल गया ये बड़ा मैच है। आप शुभमन को ला रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं यार कि हम भी कोई स्ट्रेटजी अपनाएं कि जिसके आप जिसके बारे में आप तैयार ना हो, मसलन कुछ स्पिनर नया डाल देते हैं हम जिसको आपने देखा ना हो जी। तो शायद पाकिस्तान उस तरह भी जाए, लेकिन हैविंग सेड दैट इट्स गोना बी अ वेरी ट्रिकी गेम, इट्स नॉट गोना बी इजी टू प्रेडिक्ट। और आई थिंक जो मैंने आगाज से कहा यार आकाश पाकिस्तान शुड बैट सेकंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और इंडिया बैटिंग फर्स्ट गेटिंग इन द ट्रबल बॉस, यहाँ छोटे मोटे लगने वाला काम नहीं है जो सच करते करते 10 ओवर गुजर जाने।